अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अमीन्स किचन आज हम आपको ईस्ट और वेस्ट की कॉम्बिनेशन डिश बताएंगे जी हाँ पोटली पोटैटो तो पोटली हमने ली है ईस्ट से और पोटैटो का हमने वर्जन लिया है वेस्ट से एंड वी है कम्बाइंड द बोथ टुगेदर एंड नाउ इट्स पोटली पोटैटो इतनी डिलीशियस है कि आपको ख़ुद नहीं यकीन आएगा कि आप क्या खा रहे हैं इट्स सो सरप्राइजिंगली डिलिशस तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है पोटली क्योंकि हमें तैयार करनी है तो पोटली हम तैयार करेंगे उसके लिए मैंने डो की बहुत दफ़ा आपके साथ रेसिपीज शेयर की हैं बर आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर इट वन मोर टाइम उसके लिए वर आई डेड इज आइट ऑल पर्पज फ्लावर या मैदा एक कप बेकिंग पाउडर वन फोर्थ टी स्पून ची और बटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे ले लें या उसको मेल्ट कर लें फोर टेबल स्पून और इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें और साथ ही फिर एक पैन में एक कप सॉरी यीस्ट हाफ़ टी स्पून शुगर हाफ़ टी स्पून और आ, थोड़ा सा ल्यूकॉर्म मिल्क हाफ कप ले के, उन तीनों चीज़ों को मिक्स करके फिर हमने ये मैदे के अंदर डाल के तकरीबन उसको ब्लेंड गूंद लेना आपने इस तरह डो में और अब हम इसको राइज होने के लिए रख देंगे अब साथ ही हम ये हमारी पोटली की चीज़ें तैयार हो गई अब साथ ही हम अपने पोटेटोज़ की चीज़ें तैयार करते हैं जो कि पोटली के अंदर जाएंगे आप इसमें कोई भी चीज़ डाल सकते हैं हम प्रेफ़र करते हैं पोटेटोज़ को क्योंकि बच्चे बहुत और ये स्पेशली मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसमें चीज़ है जो कि फुल ऑफ प्रोटीन होती है और बाकी भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आलू हैं फाइबर सारा कुछ हम इसमें डाल के बच्चों के लिए हेल्दी किस्म का स्नैक हो डिनर हो लंच हो या आप रमज़ान आ रहा है आगे उसमें बना के रख लें बहुत ईजी रेसिपी है द ओनली थिंग इज़ कि आपने डो को थोड़ा सा तैयार करके राइज होने के रख के लिए रख देना है दैट सेट सो लेट्स बिगिन हमने पटेटोज़ के लिए तीन आलू मैंने लेके उनको बॉईल कर लिए बड़े ज़रा थे और इनको हम फिर मैश कर लेंगे इस तरह आपके पास मैशर है तो आप उससे मैश कर लें और अगर आपने हाथ से करने हैं तो आप हाथ से भी इनको मैश कर सकते हैं बट मेक श्योर कि वो थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट आपने बॉयल किए हैं ये देखिए हमने पोटली पोटैटोस के लिए पोटली की भी तैयारी कर ली है और पोटैटोस को मैंने तीन बड़े आलू ले के, उनको बॉईल करके मैश कर लिए साथ ही उसमें मैंने फाइनली चॉप्ड ऑनियन लिया है टू 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 थ्री टेबल स्पून आप ले लें साथ ही जो खुश्क मेथी होती है या सूखी मेथी वो आप ले लें टू टेबल स्पून uh, धनिया ज़ीरा पाउडर वन टी स्पून कूटी मिर्च जो होती है वो आप ले लें वन टी स्पून रेड क्रश्ड चिलीज गरम मसाला पाउडर आप वन टी स्पून ले लें और साथ ही आप ले लें नमक एक टी स्पून काली मिर्च पाउडर ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून और अनारदाना पाउडर uh, इसमें मैंने लिया है तकरीबन वन टी स्पून अगर आपके पास अनारदाना पाउडर नहीं है तो डोंट वरी यू कैन यूज़ वन टी स्पून ऑफ़ लेमन जूस और आमचूर पाउडर एज वाव हल्दी वन आ, हल्दी तकरीबन हमने लेनी है एक चुटकी वन पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर अजवाइन एंड कलवंजी हाफ टी स्पून ईच तो ये सारा हमने डाल के अब इनको पोटेटोज़ को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है आप आ, कोशिश करें कि इनको हाथ से करें क्योंकि ये थोड़ा इनका टेक्सचर थोड़ा जो बहुत थिक होता है और थोड़ा हार्ड होता है तो इट्स बैटर कि आप इनको हाथों से मिक्स कर लें तो ये देखें हमारे पोटली पोटैटोज़ ऑलमोस्ट रेडी हैं देखिए कितना ज़बरदस्त मसाला लग रहा है आए अब हम अपने पोटली पोटैटोस को आ, फिलिंग करते हैं उनकी जैसे कि हमने ये पोटली तैयार की थी उस डो को मैंने फिर थोड़ा सा स्प्रेड करते करके इस तरह सर्कल्स में काट लिया है अब इसके ऊपर हम हल्की सी कैचप लगाएंगे और ये वही कैचअप है जो हमने घर में बनाई थी और ये गाजरों की कैचअप है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा स्पेशली रमज़ान से पहले बना के रख लें क्योंकि बहुत चीज़ों में यूज़ होती है और बहुत ज़्यादा मज़े की ये बनती है साथ ही हमने अपने जो पोटैटोज़ का हमने बनाया था सारा मटेरियल वो डाला और ऊपर हल्की सी क्रश्ड चीज़ अगर आपके पास ये क्रश्ड या चीज़ श्रेडेड चीज़ नहीं है तो आप इसमें स्लाइस चीज़ का भी थोड़ा छोटा सा स्लाइस डाल सकते हैं और आप इस तरह इसको फ़ोल्ड करेंगे ये देखिए जिस तरह चुनटे डालते हैं साड़ी में या कमीज़ में इस तरह <laughs> इस तरह आप इसको चुनटे डाल डाल के और इसके कान मरोड़ देंगे ऊपर से ये देखिए इस तरह और इस तरीके से हम सारे ये रख लेंगे अपने पोटली पोटैटो के बॉल ये मैंने टाइम की टाइम की बचत की वजह से थोड़े से बना के रख लिए साथ ही हम अब ये और फिलिंग कर रहे हैं बहुत मज़े के पोटली पोटैटोज़ बनते हैं आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये ये देखिए इस तरह आप रेसिपी को डाउनलोड कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं जब आप शेयर करेंगे तो आप लिंक कॉपी कर सकते हैं क्योंकि आप सेव कर सकते हैं रमज़ान की रेसिपीज़ के लिए या टू वॉच द रेसिपी लेरर तो ये देखिए आप इस तरह इसको चुनटे डालते जाएंगे इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और एंड में इसको हम फिर मोड़ देंगे ये देखिए, इस तरीके से इस आपने इसको मरोड़ दिया कान मरोड़ के अच्छे तरीके से एंड हीयर वी गो ऑल द पोटली पटेरोज आर रेडी टू गो इन दवन अवन को हमने 350 फिफ्टी पे प्री uh, हीट कर लिया है और अब हम इसके ऊपर जब तक अवन हमारा प्री हीट हो रहा है हम इसके ऊपर थोड़ी सी ड्रेसिंग uh, करेंगे उसके लिए मैंने एक जर्दी ली है योक एक एग की साथ ही रेगनो डाला है बिल्कुल थोड़ा सा और वन टीस्पून ऑलिव ऑयल इस तरह आप इस सारी चीज़ को बीट कर लेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू ब्रश दिस मिक्सचर ऑन टॉप ऑफ आर पोटली पोटैटोस ये देखिए हमारे पोटली पोटैटोस तैयार हैं और मैंने इनको बेकिंग पैन में डाल दिया है बेकिंग डिश में आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसमें डाल दें और ये हमने ऊपर जो हमारा एग एंड रेग्नो मिक्सचर था हम वो लगा रहे हैं विद ऑलिव ऑयल इससे बहुत अच्छी शाइन और क्रिस्प लुक आती है जब भी आप कोई इस तरह चीज़ बेक करते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस तरह हम लगा के इसको अब हम ओवन में डाल देंगे ओवन हमारा थ्री फिफ्टी डिग्री फेरन पे हो गया है प्री हीट तो अब हम अपने पोटली पोटैटोस को अंदर रखेंगे बेकिंग के लिए तो ये हमने अंदर रख दिया इनको और इनशाला अभी हम थोड़ी देर में ये देखिए तैयार हो जाएंगे तो फिर हम आपको बताते हैं कि कितनी देर बाद आप इनको निकालेंगे जी ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पोटली पोटेटोज तैयार हैं अब इनको हम ऊपर से हल्का सा आ, कलर गोल्डन करने को ऊपर वाले ग्रिल पे शिफ्ट करेंगे और हम इसको तकरीबन दो थर्टी सेकेंड से भी कम हमने इसको ब्रॉयल पे लगाना है ये अब हमने तकरीबन थर्टी सेकेंड्स के बाद हमने ब्रॉयल किया था और अब हम अपने जो हमारे बेक्ड पोटली पोटेटोज़ हैं उनको निकाल लेंगे ये देखिए कितना माशाल्लाह कितना गोल्डन उनका कलर आया है ये देखें अब हम इनको थोड़ा सा कूल डाउन होने देंगे और फिर हम इनको सर्व के लिए निकालेंगे इनको तकरीबन हमने 30 मिनट्स के लिए बेक किया था 350 फिफ्टी डिग्रीज़ फेरन पर और उसके बाद 30 सेकेंड्स के लिए ब्रॉयल किया था 500 हंड्रेड डिग्रीज पे तो आप जब ब्रॉयल करें तो ज़रूर साथ ही खड़े रहें ताकि आप क्विकली से इनको निकाल सकें माशाल्लाह हमारे ज़बरदस्त किस्म के पोटली पोटैटोस तैयार हैं और अब हम आप इनको शाम की चाय के साथ इंजॉय करें जिस तरह भी ये देखें इनको मैं खोल के आपको दिखाती हूँ और ये देखें कि कितने मज़े के ये ऊपर से इसकी ड्रेसिंग देखें कि कितना अच्छा इसकी लुक आई है ये देखें आप बहुत सॉफ्ट और अंदर इसकी फिलिंग देखें और बांध देखें कि कितना अच्छा बना है आप इसको शाम की चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ जो भी आप यूज़ करते हैं आप उसके साथ इसको इंजॉय करें और हमें दुआएं दें आपको ये ईस्टर्न वेस्टर्न पोटली पोटीटोज़ बहुत मज़े के और बहुत अच्छे लगेंगे और प्लीज़ अमीन्स किचन को लाइक करें सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ रिक्वेस्ट करें इफ़ यू हैव एनी कमेंट करें बताएं कि आपको कैसा लगा ये हमारा आज की रेसिपी और ये आप रमज़ान में बना सकते हैं और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू तो प्रेस द बेल आइकन सो यू आर नॉट माशाल्लाह हमारे ज़बरदस्त किस्म के पोटली पोटेटोज़ तैयार हैं और अब हम आप इनको शाम की चाय के साथ इंजॉय करें जिस तरह भी ये देखें इनको मैं खोल के आपको दिखाती हूँ और ये देखें कि कितने मज़े के ये ऊपर से इसकी ड्रेसिंग देखें कि कितना अच्छा इसकी लुक आई है ये देखें आप बहुत सॉफ्ट और अंदर इसकी फिलिंग देखें और बांध देखें कि कितना अच्छा बना है आप इसको शाम की चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ जो भी आप यूज़ करते हैं आप उसके साथ इसको इंजॉय करें और हमें दुआएं दें आपको ये ईस्टर्न वेस्टर्न पोटली पोटेटोस बहुत मज़े के और बहुत अच्छे लगेंगे और प्लीज़ अमीन्स किचन को लाइक करें सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ रिक्वेस्ट करें इफ़ यू हैव एनी कमेंट करें बताएं कि आपको कैसा लगा ये हमारा आज की रेसिपी प्लीज़ सपोर्ट अमीन्स किचन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो आर नॉट सो यू आर नॉट मिसिंग ऑन आर न्यू रेसिपीज ट्रेडिशनल रेसिपीज़ एंड मच मोर थैंक यू